जय हिंद स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको 10th क्लास के नन हिंदी, जो भी स्टूडेंट नन हिंदी सब्जेक्ट्स रखते हैं, उनके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। आप लोग देख ले, यही सब परीक्षा में छपने वाले हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न है। परीक्षा से पहले, आप लोग जाने से पहले इन सब प्रश्नों को देख ले। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके, बगल का एक बेल आइकन होता है, प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, माना आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे अपने दोस्तों और साथियों में। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से यह निबंध किनकी रचना है। पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद, कामता प्रसाद सिकाम, रामधारी सिदिनकर या गोपाल सिंह नेपाली। तो इस प्रश्न में अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल ही सही जवाब वन में आपका ग होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए फटाफट। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? अनाज नहीं था, बीमार थी, घर बेटा घर नहीं था या हामिद दुखी था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रश्न में दो में आपका क है अनाज नहीं था तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए तीन नंबर है, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 5, 10, 3 या 2? तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब 3 के ग होगा, 3। ठीक है, चार नंबर है, करमवीर की पहचान है कायर होना, चंचल होना, साहसी होना या भाग भरोसे रहना? तो इसमें चार में आपका बिल्कुल सही जवाब ग होगा, साहसी होना। ठीक है, पांच नंबर है, सूर्योदय का सही संधि विषय सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय? तो बिल्कुल ही आपका ना 100% 5 में सही और सटीक आंसर क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, छः नंबर है, व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? सबकी बात तो मानना, कर्म के प्रति निष्ठा रखना, काम को करने से पहले विचार करना, दूसरों की मदद लेना? तो 5 या 6 में आपका ना सही जवाब होगा ख, कर्म के प्रति निष्ठा रखना। ठीक है, चलिए फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाल गोविंद भगत जो है किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिव पूजन साय, रामब्रिज बनपुरी या पंडेश्वर नाथ रेणु? तो 7 में आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर ग होगा, रामब्रिज बनपुरी। ठीक है, 8 नंबर है कि बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे? सिख, कबीर, शिव या बौद्ध? तो आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें ना बिल्कुल सही जवाब 8 में 100% आप 8 में ख कीजिएगा, कबीर की। ठीक है, ख हो जाएगा। 9 नंबर है, अमीना हमीद की दादी थी, दीदी थी या नानी थी या काकी? तो इसमें 9 में ना आपका सही जवाब जो है क होगा, दादी। ठीक है, दादी होगा। 10 है, पर्वत शब्द का पर्याय मतलब उसी से मिलता जुलता, भूस्वामी, भूधर, भूपति या भू? तो 10 में अगर आप खान किए हैं भूधर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 है, नायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है, नय प्लसक, ने प्लसक, ना प्लसक या न प्लसक? तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ग में आपका ग होगा 11 में, ना प्लसक। ठीक है, 12 नंबर देखिए, हामिद मेले से लाता है, क्या लाता है? पिस्तौल, चिमटा, गुड़िया या मिठाई? तो इसमें आपका बिल्कुल ख होगा, चिमटा लाता है। 13 है, बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटों की मृत्यु पर क्या कर रहे थे? फुट फुट कर रो रहे थे, सिर पकड़े बैठे थे, भजन गा रहे थे या उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 13 में आप ग मार लीजिए, भजन गा रहे थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, 14 में भी ग होगा, बिल्कुल ग सही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 6 किसके अंतर्गत आता है? तो 6 जो है संयोजी 6 है, ये आपका इसमें बिल्कुल ही ग होगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, 15 में ग हो जाएगा। 16 नंबर है कि बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे को आग कैसे दिलाई? फतोहू से, भतीजे से, मठ के पुजारी से या एक किसान से? तो 16 में आपका क हो जाएगा, भतीजे से, बिल्कुल सही है ये, भतीजे से। ठीक है ना, 17 है कि खेमा कहानी किस विषय पर लिखी गई है? सामाजिक, बेरोजगारी, बाल मजदूरी या सरकारी कर्मचारी? बिल्कुल 17 में आप लोग ना 100% करेक्ट आंसर ग कीजिए, बाल मजदूरी की निशंसता, ये सही हो जाएगा। 18 नंबर है, कवि ने अपने दम पर किसकी जीत चाहता है? परिवार, वतन, चमन या इनमें से किसी की नहीं? तो 18 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका खा होगा, कवि अपने दम पे हो जिन्नत, वतन की जिन्नत, पढ़े ना, तो 18 में खा होगा। सभी लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, एवरीवन लाइक करना ना बोले, शेयर करना ना बोले दोस्तों में। 19 है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसका क्या कारण हो सकता है? वह कबीर के सतगुरु मानते थे, वह कबीर के घृणा करते थे, वह कबीर पंथियों को चिढ़ाते थे या कबीर को हीन समझते थे? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 19 में आपका सही जवाब होगा क, वह कबीर को सत्यगुरु मानते थे। ठीक है ना, 20 है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? कहानी है, निबंध है, जीवनी है या रेखाचित्र है? तो 20 में आपका बिल्कुल घ होगा, रेखाचित्र, 20 का घ है रेखाचित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए ग्रामर का पार्ट है। 21 कहता है कि सरोज, सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? सर प्लस उज, सर प्लस जो, सरो प्लस जा, सर प्लस जा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 21 नंबर प्रश्न में आपका घ होगा, सर प्लस जा मिलकर सरोज होता है। ठीक है,
इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस आदि, इत्या प्लस आदि, इत प्लस आदि, अति प्लस आदि। हाँ तो आपका सही और सटीक आंसर 22 में क होगा, इति प्लस आदि मिलकर इत्यादि होता है, ठीक है ना। 22 के बाद आता है 23, यकीन का एक अर्थ है। यकीन तो यकीन का मतलब होता है भरोसा, क्या होता है भरोसा, ख हो जाएगा। हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है, तो देखिए हुंडरू, ये जो है हुंडरू का जलप्रपात ना, ये आपका घ होगा, कामता प्रसाद से काम, ठीक है। 25 नंबर है हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात इसमें आपका सही और सटीक आंसर क होगा, झारखंड में है, कहाँ है, झारखंड, ठीक है। 26 है हुंडरू जलप्रपात किस लिए मशहूर है, सुंदरता, दुर्बलता, चपलता या गंभीरता, तो 26 में आपका बिल्कुल गह होगा, चपलता के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए, चपलता के लिए गह हो जाएगा। 27 है नील गाय कौन सा समास है, द्वंद, तत्पुरुष, द्विगु या क्रमधार है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 27 में बिल्कुल आपका खा होगा तत्पुरुष, नील गाय क्या है, तत्पुरुष है। 28 है क्रमवीर की पहचान क्या है, क्रमवीर की पहचान तो काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, बिल्कुल क हो जाएगा आपका 28 में क, ओके। 29 नंबर है क्वेश्चन किस कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था, समस्तीपुर, भागलपुर या पटना या सासाराम। हाँ तो 29 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का होगा समस्तीपुर, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, समस्तीपुर, बिल्कुल सही है। 30 नंबर है हामिद ईदगाह से क्या खरीद लाता है, खिलौने, मिठाई, चिमटा या चूड़ी, है ना। तो हामिद जो है ईदगाह जब गया था तो उसने चिमटा खरीदा था, गाँव होगा। 31 है कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के क्या बने, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या ऊर्जा मंत्री, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें खा होगा मुख्यमंत्री, ठीक है। 32 है ठेस कहानी किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिव पूजन सा है, बिल्कुल ही 32 आपका क होगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ओके। चलिए 33 नंबर है शीर्षन किस काम का माहिर कारीगर था, चीक, चिदरी, पंखा या घड़ी, तो शीर्षन जो है ना, शीर्षन आपके चीक में माहिर था, क हो जाएगा। 34 है राधा कृष्ण कौन सा समास है, तत्पुरुष, क्रमधार, द्विगु या द्वंद्व। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व होगा, ओके। और 35 है बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है, ठेस, खेमा, ईदगाह या दीदी की डायरी। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बाल मजदूरी जो है ना आपका बिल्कुल 35 में ख होगा, खेमा, ठीक है। सभी लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ना लाइक करें, एवरीवन इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी करें, प्लीज़ एवरीवन सर को सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, बाल मजदूरी हो गया ना, ये वाला बाल मजदूरी बताया ना किस समस्या किस पार्ट से लिया गया है, तो खेमा आपको बताया 35 में, है ना। चलिए 36 क्रमवीर का व्यक्तित्व कैसे निखरता है, हाँ तो इसमें आप ना बिल्कुल का होगा बधाओं से जूझती हुई क्रमशील रहना, ठीक है। खेमा किसके होटल में काम करता था, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो खेमा जो है ना आपका खेमा 37 में का होगा, कसारा के घर। 38 है शीर्षन को पान की वीणा किसने दिया था, चाची, मानू, भाभी या दादी, तो 38 में आपका ना सही जवाब खाओगा मानू, ओके। 39 है नीलकंठ किस समाज का उदाहरण है, बहुब्री, क्रमधार या तत्पुरुष या द्वंद्व। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो इसका अलग अर्थ रखता है, बहुब्री ही होगा, ओके। 40 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, ग्रीष्म में सब जगह लिखा है लेकिन शुद्ध सुनना है, तो आपका शुद्ध ख में है ग्रीष्म, ओके। 41 है बाल गोविंद भगत अपने खेत को कुल पैदावार किसको भेंट करते थे, तो इसमें आपका कबीर पंथी मठ को खा हो जाएगा। बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है, गालिब, मीर, मोहम्मद इकबाल या नज़ीर। हाँ तो बच्चों की दिया जो है ना ये आपका गा होगा मोहम्मद इकबाल, ओके। बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते थे गीत, भजन, प्रभाती या गाना। हाँ तो 43 में आप गा मारिए प्रभाती, बिल्कुल सही है, प्रभाती गाते थे। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, 80, 60 के ऊपर, 50 के ऊपर या 90। हाँ तो 44 में आपका खा होगा 60 से ऊपर, बिल्कुल सही होगा, 60 से ऊपर थे, है ना। 45 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, हाँ तो 45 आपका सही जवाब जो है गा होगा हरिभद्र थे, ठीक है ना। 46 है कि वेदपति के विचार से शब्द के कितने भेद, 1, 2, 3, 4। हाँ तो इसमें आपका सही जवाब आपका ख होगा 4, ठीक है। 47 है बेटे के क्रियाक्रम के बाद पतोह को कहाँ भेज दिया, विधवा आश्रम, पतोह के घर का कबीरपंथी मठ या इनमें से कोई नहीं। चलिए 47
बिल्कुल खा हो जाएगा, पतो के घर के भाई के घर, ठीक है। 48 नंबर है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रहते हैं? हाँ बिल्कुल आपका ग होगा, कूड़े करकट के ढेरों के बीच, ठीक है। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्माणी, ब्राह्मणी, सही से लिखा हुआ है, चूज करना है, तो आपको क हो जाएगा ब्राह्मणी, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न आपका है, ये कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, लक्ष्मी, सावित्री, पद्मा या नंदिनी? हाँ तो 50 में आपका क्या होगा? पद्मा, ठीक है। तो आपके 50 प्रश्न जो थे मोस्ट बीबीआई थे। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, साथियों ग्रुप में भेजें। बेस्ट ऑफ योर लक, योर सक्सेस इज आवर एम, आपकी सफलता कदमों को चूमे। जय हिंद।